वहीं पे त्योहार मनाया। आपको याद होगा तो लोहड़ी के पर्व पे भी जो 3 नए कृषि कानून थे उसकी जो बिल की कॉपी थी उसको जलाया गया था। तो काफी कुछ देखने को मिला है इस एक साल के दौरान, और आज काफी खुशी देखने को मिल रही है क्योंकि आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। जो जीत है इसे किसानों की जीत कह सकते हैं, क्योंकि एक साल का जो प्रदर्शन रहा है उसके बाद अब इतना बड़ा निर्णय आ जाना वो भी किसानों के पक्ष में, तो ये किसी खुशी या पर्व से कम नहीं है। तो हम आपको लगातार अलग अलग राज्यों और की तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग जिलों में हमारे संवाददाता किसानों के पास पहुंच रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं कि उनको इस वक्त कैसी खुशी महसूस हो रही है। एक साल का जो प्रदर्शन था वो खत्म हो गया है और अब हमारे साथ रायबरेली से हमारे संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं जो कि किसानों के साथ मौजूद हैं, और हम उनसे जानते हैं कि इस वक्त कैसा माहौल है किसानों के बीच। ओम शंकर जी, किसान बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि 11 महीनों का संघर्ष रहा है और कम से कम 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत जो है दी है इस आंदोलन में, तो ये कहीं ना कहीं किसान अपनी जीत मान रहे हैं और सरकार अपनी हार सरकार को हार मानने पर मजबूर किया। हमारे साथ कुछ किसान नेता है, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। बिल्कुल, ये मोदी सरकार का जो गुरूड़ था उसे किसानों ने अपने ट्रैक्टर से आज जोत दिया। किसान और नौजवान और जो देश के बॉर्डर पे किसान का बेटा खड़ा है वो विदेशियों के गुरूर को तोड़ता है, और किसान ने मोदी सरकार के गुरूर को तोड़ा। बीते एक साल से किसान धूप गर्मी बरसात झेल करके बॉर्डर पे पड़ा था, तब योगी जी और मोदी जी को इनकी सुध नहीं आई। आज जब चुनाव में उपचुनाव में इनको किसानों ने नकार दिया, जब चुनावी हार इनको सामने दिख रही है उत्तर प्रदेश हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पंजाब के चुनाव में, ये चुनावी इनकी बातों पे कौन यकीन करेगा। यही प्रधानमंत्री है ना जो इनको आंदोलन जीवी बोलते थे, कहते थे मुट्ठी भर किसान है, आखिर मुट्ठी आज मुट्ठी की ताकत दिखी ना, मुट्ठी के आगे एक तानाशाह झुका है। आज ये पूर्णतया जीत किसानों की जीत है, इस देश के किसानों को आज नमन है। और मैं तो कहूंगा मोदी जी को जाकर के उन 600-700 किसानों के घर जाके उनके परिवारों से क्षमा याचना करनी चाहिए जो इस किसान आंदोलन में शहीद हुए। आखिर वो 600 परिवार उजड़ गए ना, फिर एक आदमी की हर धार्मिकता के चलते सिर्फ अपने मित्रों को फायदा पहुंचाना है। देश दो लोगों से नहीं बना, अडानी अंबानी देश बनाएंगे, किसानों से देश बना है, नौजवानों का देश है, जन जन का देश है। और ये सरकार समझ रहे थे हम किसानों को झुका देंगे, गांधी जी जब किसानों को लेके चले तो अंग्रेज भाग गए, नेताजी ने आह्वान किया आजाद हिंद फौज की स्थापना की तो किसान का बेटा उसमें भर्ती हुआ, तब अंग्रेज भागे। जब अंग्रेजों को झुका सकता है तो ये तो काले अंग्रेज, हिटलर शाही का देश नहीं है ये देश गांधी का देश है। ये देश जो है गांधी के आदर्शों पे चलता है, उनके विचारों पे चलता है, और आज ये किसानों की बड़ी जीत है। मैं तो कोटि कोटि बधाई देता हूँ देश के किसानों को और देश के संपूर्ण विपक्ष को और अपने नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने किसानों के साथ कंधे में कंधे मिला करके लड़ाई लड़ी और जंतर मंतर पे पूरे देश के विपक्ष को लेकर एक बस में गए और किसानों की बात किसान मंच पे था। और चाहेंगे कि आप बाकी किसानों से भी बात करें और जानने की कोशिश करें कि किन संघर्षों का सामना करना पड़ा है किसानों को। किसान है, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। सरकार द्वारा प्रयास किया गया लेकिन किसान अपनी एकता को बनाए रखे और डटे रहे, और ये अंत में सरकार को उनके सामने घुटने टेकने पड़े और किसान बिल वापस होने का प्रधानमंत्री जी के द्वारा खुद घोषणा करनी पड़ी। ओम शंकर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अभी भी किसानों को सरकार से इस बात की उम्मीद है कि जो बाकी की तकलीफों का सामना कर रहे हैं किसान उनका भी समाधान करेगी सरकार। जी हम बात कर ये कहना है कि क्या किसान जो और समस्याओं से घिरे हुए हैं उनकी भी समस्याओं का क्या समाधान करनी चाहिए सरकार को। हम तो ये कहते हैं कि देश में किसान अन्न उगाता है
और बॉर्डर पर अपना बेटा भेजता है लड़ाई लड़ने के लिए, शहादत के लिए। किस नेता का बेटा बॉर्डर पे शहादत देता है? हमारा अन्नदाता किसान, वो खेत में उगाता है और बेटा देश की रक्षा करता है। तो किसान जब अन्न उगाता है तो उसकी उपज का उसको क्यों दाम नहीं मिलता? एक समोसा वाला समोसा बनाता है तो तय करता है कि समोसा उसका 2 रुपए में बिकेगा कि 5 रुपए में बिकेगा, लेकिन किसान अन्न उगाता है तो उसको तय करने का क्यों अधिकार नहीं है कि उसका अगर सामान अच्छा है, उसकी उपज अच्छी है तो उसको अच्छा दाम मिले? ये तय करना सरकार को चाहिए कि किसान को अधिकार दे कि अपनी उपज का मूल्यांकन वो स्वयं कर सके। ओम शंकर, जब ये बड़ी खबर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा ऐलान किया है कि 3 नए कृषि कानूनों को वापस किया जाएगा, तो कैसा माहौल देखने को मिला? क्या वहां पे भी मिठाई बांटते हुए किसान नजर आए? जी हाँ, किसान अब धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर, और जो है वो मिठाई बांटने का कार्यक्रम है, संख्या उनकी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई है। और पूरे जिले में जो है ये जो किसान कृषि कानून वापस हुए हैं, इसका एक उत्सव मनाया जा रहा है कि किसानों की जीत हुई है और मोदी सरकार की हार हुई है। जी, रायबरेली से कितने किसान शामिल हुए थे दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान? हाँ, रायबरेली से कम 1200 से 1300 किसान गए थे गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर, जो वहां पर रुके, धरना दिया और कई महीनों तक रुकने के बाद फिर अपने घर वापस आए हैं। तो अब क्या लगता है कि इतना बड़ा फैसला आ गया है तो कितना समय लगेगा किसानों को दिल्ली की बॉर्डर से वापस घर आने में? क्योंकि अभी तो ये कहा जा रहा है कि जब तक ये सदन में पूरी तरह से रद्द नहीं हो जाते 3 नए कृषि कानून, तब तक घर वापसी नहीं होगी। हाँ, इस बारे में हमारे साथ एक लोग और है, आइए जानते हैं क्या क्या कहना। ये कहना है कि जो वहां पर किसान डटे हुए हैं उनको आने में समय लगेगा। किसान नेता ये कह रहे हैं कि जब तक संसद में ये बिल खारिज नहीं होता तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये जरूर जल्दी से जल्दी अपने सारे 3 कानून जो इन्होंने आज घोषणा की है रद्द करने की, इसको तुरंत संसद में पेश करके स्थायी तौर पर इसको निस्तारित करें और हमारे किसानों को एक और तोहफा से नवाजे। हमारा देश सिर्फ 2 ही चीजों से पहचाना जाता है, एक युवा और दूसरा किसान। आज कहीं ना कहीं कि हमारे किसान भाइयों की पूरी तरीके से एक तरफा जीत हुई है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने समय रहते हुए ये उचित कदम उठाया है, और अपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि इनके राज में भी हमारा युवा भटक रहा, रोज नए नए आंदोलन करने पर मजबूर है। अभी मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र करना चाहूंगा। पिछले 5 महीने से हमारे कई शिक्षक साथी 5 महीने से लगातार टंकियों पर चढ़ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 1,37,000 पूरी भर्तियां नहीं कर रही है सरकार। उनके कुछ जो भी नौकरशाही हैं उनको गुमराह किए हुए हैं और एक बड़ा वर्ग आंदोलन की तरफ अग्रसित होता हुआ दिख रहा है। ये सरकार के प्रति अपनी नाराजगी सरकार को छत ही पहुंचाएगी। अभी भी समय है, माननीय मुख्यमंत्री से इसे अनुरोध है, जिस तरह प्रधानमंत्री ने किसानों को उनके आंदोलन को देखते हुए अपनी रणनीति बदली है, उसी तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी युवाओं के विषय में सोचना चाहिए और जल्द से जल्द कोई ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे हमारे युवा साथी भी अपने घरों में लौट के आ सके और अपने परिवार के साथ रह सके। शंकर, जिस तरह से किसानों को ये बड़ी जीत मिली है, किसानों में तो खुशी देखने को मिली रही है, आम जनता का क्या रुख रहा है? हाँ जी हाँ, हर क्षेत्र में है, क्योंकि देश का जो मतदाता है 80% किसान ही है, तो निश्चित इस कानून से सभी लोगों को यहाँ पर रायबरेली जिले में खुशी का माहौल है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे, जिन्होंने किसानों से बात की और बताया कि आम जनता के बीच भी काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है।